पृथ्वी पर ग्रेविटी का क्या महत्व है, इसका पता हमें अंतरिक्ष में जाकर चलता है और एक एस्ट्रोनॉट ही इसको अच्छे से समझ सकता है। यहाँ तक कि एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में अपनी मर्जी से बहुत सी खाने वाली चीज़ों को नहीं खा सकता, क्योंकि खाने को पचने में भी ग्रेविटी हेल्प करती है। उसी तरह पसीना आना हमारे लिए पृथ्वी पर तो आम बात है, पर अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। अगर किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में स्पेस सूट के अंदर पसीना आ जाए तो उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्रेविटी के पसीने की बूंदें एस्ट्रोनॉट के आंखों के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे एस्ट्रोनॉट को देखने में बहुत कठिनाई होगी। प्लास्टिक एक ऐसा जहर है जो पूरी पृथ्वी को एनवायरनमेंट और एनिमल्स को धीरे धीरे मार रहा है। इस साल यानी 2019 में 5 ट्रिलियन प्लास्टिक का यूज होगा, यानी अब तक 3.5 ट्रिलियन हमने यूज कर लिया है। हर एक सेकंड में 1,60,000 प्लास्टिक का यूज होता है, जिसमें से केवल 1% या 3% ही रिसाइकल हो पाता है, और ये 1 से 3% पूरे वर्ल्ड का प्लास्टिक है। प्लास्टिक बैग 1970 में मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया गया था। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली हानिकारक जहरीली गैसें पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए घर का बना हुआ थैला जिंदाबाद। अगर हम सेल्फी लेने की बात करें तो 1 मिनट में करोड़ों सेल्फी खींची जाती है, शायद ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हो। क्या आप जानते हैं कि स्पेस में पहली सेल्फी कब ली गई? स्पेस में पहली सेल्फी 1966 में बज एल्ड्रन द्वारा ली गई। बज एल्ड्रन एक अमेरिकन इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट और एक फाइटर पायलट है। उनके द्वारा खींची गई स्पेस की पहली सेल्फी की कीमत 6 से 7 लाख के बराबर आंकी गई है। किसी भी वस्तु का कलर कैसा होगा, यह डिपेंड करता है कि वह वस्तु किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। जहाँ पर मनुष्य 70 लाख कलर को देख सकता है, वहीं पर एक धारणा है कि केवल उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो नीला रंग देख सकता है। आपको क्या लगता है या आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। बहुत से लोगों को लगता है कि उल्लू दिन में नहीं देख सकते, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन दिन के मुकाबले रात में उल्लुओं की देखने की क्षमता इंसानों से 100 गुना कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि उल्लू 100 फीट दूरी तक पूरी सटीकता से देख सकते हैं। उल्लू की आंखें उनके दिमाग जितनी ही बड़ी होती है, जो कभी नहीं हिलती बल्कि एक जगह पर ही फिक्स रहती है। हाल ही में एप्पल का एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ था, आईफोन 11 प्रो, जिसकी कीमत 1 लाख के आसपास है, जो कि बहुत से भारतीयों के बजट से बाहर है। क्या आपको पता है कि 1983 में मोटोरोला ने एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम डायन TAC8000X और जिसकी कीमत $4000 थी। उस फ़ोन में केवल हम कॉलिंग कर सकते थे, उस फोन में केवल बात ही हो पाती थी, और उस फोन को डॉक्टर मार्टिन ने 1973 में बनाया था, और उसमें केवल 30 नंबर ही हम सेव कर सकते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।